प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पांच ऐसी चीज़ों के बारे में, पांच ऐसे कामों के बारे में जिनको भूलकर भी आप रमज़ानुल मुबारक के महीने में ना करें। इन्हीं पांच चीज़ों से आपको रमज़ान के महीने में दूर रहना है। प्यारे दोस्तों, वो कौन सी पांच चीज़ें हैं जो हमें सहरी या अफ्तारी में नहीं खाना चाहिए, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उसके साथ साथ रमज़ान में औरतों के बारे में भी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, रमज़ान के इस महीने में औरतें सबसे बाद में सोकर सबसे पहले उठती है, खुद सब घर वालों के लिए सहरी बनाती है लेकिन सबसे आखिर में सहरी खाती है। दिन भर रोज़ा रख कर दूध पीते बच्चों को दूध पिलाती है और बिना रोजे वाले छोटे बच्चों के लिए दोपहर में खाना बनाते हैं। उसके बाद पता नहीं कि किस हिम्मत से वो जोहर की नमाज पढ़ पाती है और उसके बाद कुरान पाक पढ़ना शुरू कर देते हैं और बिना आराम किए 4-5 बजे ही इफ्तारी बनाने में लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, उन्हें रोज़ाना हर एक की पसंद के पकोड़े, शरबत और ना जाने क्या क्या बनाना पड़ता है और फिर भी ये टेंशन रहता है कि पता नहीं कि घर वालों को पसंद आएगा या नहीं। भले ही बाकी सब घरवाले दस्तरखान पर बैठ जाते हैं लेकिन औरत तो अजान शुरू होने तक इसलिए बनाती रहती है ताकि उसके घरवाले अच्छे से इफ्तारी कर सके। औरत तो घर के सारे लोगों का रोज़ा खोलने की फिक्र करती है लेकिन उसकी फिक्र कोई नहीं करता। वो खुद सबसे बाद में रोज़ा खोल पाते हैं लेकिन फिर भी कोई इफ्तारी ऐसी नहीं होती जिसमें उसे तारीफ के दो बोल सुनने को मिल जाए, बल्कि उसे तारीफ के बजाय पकोड़े, शरबत और खाने में रोज़ाना शिकायतें सुनने को मिलता है। प्यारे दोस्तों, जब सब लोग खाना खा लेते हैं तब वो दस्तरखान समेटकर बर्तनों को धोने लग जाती है। बर्तन धोकर फारिग होती है, इतने में ईशा की नमाज का वक्त हो जाता है। फिर वो नमाज तरावी पढ़कर सबका बिस्तर लगाती है और सो जाती है। अभी 4-5 घंटे की नींद ही हो पाती है कि उठकर सहरी बनाना पड़ता है। ये औरत की हिम्मत होती है कि जो ये सब कर पाती है। लिहाजा अपने घर की औरतों का एहसास कीजिए और अगर कभी खाने में कोई ऊंच नीच हो जाए, कभी नमक कम और ज़्यादा हो जाए तो गुस्सा करने के बजाय औरत की मेहनत देखें, ना कि उन पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दे। ये आदत जाहिलों की होती है। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं सात चीज़ों के बारे में जिनको आप रमज़ानुल मुबारक के महीने में ना खाए और ना पिए। नंबर एक, ज़्यादा तला भुना खाना ना खाए। दोस्तों, कुछ लोगों की ये शिकायत रहती है कि रोज़े की हालत में उनको प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो सहरी के वक्त ज़्यादा तला भुना और मसालेदार खाना ना खाए, जैसा कि सहरी के वक्त पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह ना खाए, क्योंकि तला हुआ और मीठा खाना खाने से इंसान को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और फिर जिस्म को बार बार ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत महसूस होती है। उसके बजाय आप सहरी में प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट से भरा डाइट लें, जैसा कि दूध, दही और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। उससे आपको प्यास भी नहीं महसूस होगी। और एक बात याद रखें कि सहरी में मीठा ज़्यादा ना खाए। उसके अलावा आप अफ्तारी में भी समोसे और पकोड़े खाने से बचें, क्योंकि आजकल देखने में आता है कि लोग हर रोज़ अफ्तारी में बस समोसे
और पकोड़े ही इस्तेमाल करते हैं तो आप ऐसा हरगिज ना करें, बस थोड़ा बहुत खा सकते हैं। नंबर दो, दोस्तों अफ्तारी में कोल्ड ड्रिंक जैसे पेप्सी, कोको कोला और स्प्राइट पीने से परहेज करें, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में गैस मिली हुई होती है, क्योंकि इंसान पूरा दिन कुछ भी नहीं खाता पीता। ऐसे में गैस वाले कोल्ड ड्रिंक पीने से गुर्दों को ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, जिसके बजाय आप अफ्तारी में नींबू पानी, शरबत या जूस पी सकते हैं। यह हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। नंबर तीन, सहरी में दही का इस्तेमाल ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, सहरी में दही के साथ रोटी खाए, यानी कि सहरी के वक्त आप दही का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जिनको दही खाना पसंद है वो दही की लस्सी बनाकर पी लें और उसके थोड़ी देर के बाद हरी इलायची को पानी में डालकर इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह पूरा दिन आराम से और सुकून से गुजर जाएगा। उसके अलावा एक और बात याद रखें कि अफ्तारी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, क्योंकि दिन भर रोज़े के बाद जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। इसलिए मर्दों को चाहिए कि वो कम से कम 2.5 लीटर और औरतों को चाहिए कि वो कम से कम 2 लीटर पानी ज़रूर पिएं, और ये पानी आप खाना खाने के कुछ देर बाद पिए, एकदम से ना पीने लग जाएं, क्योंकि अफ्तारी में इंसान पानी ही पानी पीता है और खाना कम खाता है। इसलिए आप खाना भी खाए और थोड़ा बहुत पानी भी पिए, आराम आराम से थोड़ी देर के बाद पानी पीते रहें। नंबर चार, अफ्तारी में खजूर का इस्तेमाल ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, खजूर का इस्तेमाल करने से जिस्म में गर्मी आ जाती है, लेकिन अगर खजूर को पानी या दूध में भिगोकर उनका शरबत पिया जाए, उनका शरबत बनाकर पिया जाए, तो उससे ज़्यादा असरदार चीज़ शायद ही और कोई चीज़ होगी। लेकिन याद रखें कि खजूर की शरबत को धीरे धीरे से पिए, आपको उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नंबर पाँच, सहरी में वाइट राइस यानी सफ़ेद चावल ना खाएं। प्यारे दोस्तों, भूल कर भी सहरी के वक्त चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद चावल इंसान के पेट में जल्दी हजम हो जाता है, और सफ़ेद चावलों में सिंपल कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से ये जिस्म में इंसुलिन लेवल को भी बढ़ा सकता है। इसलिए सहरी के वक्त सफ़ेद चावल को ना खाएं, मगर उसकी जगह पर आप ब्राउन चावल या रोटी खाएं, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होने के साथ साथ फाइबर की भी मात्रा होती है, इसलिए इंसान के पेट में ज़्यादा देर तक रुक सकती है, जिससे रोज़ेदार को भूख भी कम लगते हैं। नंबर छः, अफ्तारी में ज़रूरत से ज़्यादा ना खाए। बस कहने का मतलब ये है कि रोज़ेदार पूरा दिन कुछ खाता पीता नहीं, और अगर वो अफ्तारी में एकदम से ज़्यादा खाना खा लें तो यह भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसलिए चाहिए कि पहले आप अफ्तारी कर लें और उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़कर आराम से खाए। नंबर सात, अफ्तारी में ज़्यादा तीखा खाना ना खाए। ये आदत बच्चों में ज़्यादा होती है कि ये फल फ्रूट छोड़कर मसालेदार चीज़ों को तरजीह देते हैं, इसलिए ज़्यादा मसालेदार चीज़ों को रमज़ानुल मुबारक के महीने में खाने से बचते रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।